नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे। स्वागत करने के साथ हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें, आप तक पहुँचते रहें। हम लोग बात कर रहे हैं राइट ऑफ अक्यूज पर्सन के बारे में, जहाँ पर हम लोगों ने इसके पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में बात की। आज हम लोग बात करेंगे राइट एट ट्रायल के बारे में। राइट टू फेयर ट्रायल का मतलब क्या है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निर्धारित किया गया है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब सारे लोगों के लिए समान अधिकार है, ऐसा ही अधिकार राइट टू ट्रायल के लिए भी रहेगा, फेयर ट्रायल के लिए रहेगा। चाहे आरोपी है या आरोपी नहीं है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रायल है वो फेयर ट्रायल होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के दोषों से मुक्त होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जो भी ट्रायल होगी उसमें इक्वलिटी या बराबरी दी जाएगी। इसके साथ ही आपका जो अधिकार है, जो आरोपी व्यक्ति है उसका यह भी अधिकार है कि जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में हो। ऐसा नहीं कि अंदर जज ने चैंबर में ले जाकर के आपके स्टेटमेंट, एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन सारा कुछ एक साथ कर लिया और उसके बाद आपको पनिश भी कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ट्रायल होगी वो ओपन कोर्ट में होगी और जो स्पेशल केसेस होते हैं उसमें कैमरा प्रोसीडिंग होती है, मतलब जो भी ट्रायल की गई है, कंडक्ट की गई है मैजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, वो कैमरा इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट कुछ केस होते हैं, जैसे जुवेनाइल केस होते हैं जहां पे 16 साल या 12 साल की बच्ची के साथ रेप कर लिया गया, इस कंडीशन पे ये जो सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं तो इन कैमरा प्रोसीडिंग चलती हैं। रेप के केसेस में ज्यादातर इन कैमरा प्रोसीडिंग चलती हैं, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केसेस में भी चलती हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी ट्रायल कंडक्ट किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा वो ओपन कोर्ट में होंगे। इसके बाद दूसरा हम लोग अधिकार अगर आरोपी का या अक्यूज्ड पर्सन का समझें तो वो यह भी है कि राइट टू अ स्पीडी ट्रायल बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जितने भी ऑफेंस हैं जिसपे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा प्रिस्क्राइब की गई है, तो 2 साल से ज़्यादा सज़ा से कम के जितने भी ऑफेंस हैं, इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करेगी, इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द ख़त्म हो जानी चाहिए। और जल्द से जल्द का मतलब है पीरियड 6 महीने का। बार बार आप कोर्ट में जाके, मतलब पुलिस ऑफिसर बार बार कोर्ट में जाके इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुसैन नारा खातून के मैटर में बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो भी पनिशमेंट ऑफेंस रहेंगे, पनिशेबल ऑफेंस जो मैक्सिमम 2 साल का पनिशमेंट जिनमें हो रहा है, पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन 2 साल के, 2 साल से ज़्यादा, 2 साल से कम के जितने भी ऑफेंसेस हैं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर ले। तो जब जल्दी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो ट्रायल जल्दी शुरू होगी, ट्रायल जल्दी हो जाएगी तो केस जल्दी खत्म हो जाएगा। तो राइट टू अ स्पीडी ट्रायल बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये गारंटी किया गया है, और ऐसी ही गारंटी जो मैंने आपको बताया आर्टिकल अनुच्छेद 14 के हिसाब से, जहां पर राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, सभी के लिए एक जैसा समान कानून, जहां पर ट्रायल भी होगी तो ओपन कोर्ट में होगी, इन कैमरा प्रोसीडिंग केवल और केवल स्पेशल केसेस में हो सकती है जो रेप के केसेस हैं या इस प्रकार के केसेस। निश्चित रूप से अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारा वीडियो आप लाइक कीजिए। इसके साथ ही आपका क्या सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए जो अपॉइंटमेंट लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे आपके पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात कर सकते हैं। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।